हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको सबसे ज़्यादा कौन कौन से बॉटल का यूज किया जाता है इसके बारे में बताएंगे, और कौन सा बॉटल कब मरीज को चढ़ाया जाता है और कब मरीज को नहीं चढ़ाया जाता है ये बताएंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है दोस्तों इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो दोस्तों हम आपको एक एक कर सभी के बारे में बताएंगे, और आपको सभी को अच्छे से समझ लेना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वो कौन कौन से बॉटल हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, पहले उनके नाम जान लेते हैं, और उसके बाद हम आपको एक एक कर इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। तो नंबर एक आरियल, नंबर दो एनएस, नंबर तीन डीएनएस, और नंबर चार आइसोलाइट पी, नंबर पाँच आइसोलाइट एम, एंड नंबर छः हिमाक सेल। तो दोस्तों ये कुछ बॉटल हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और चलिए दोस्तों अब एक एक कर इन सभी के बारे में अच्छे से विस्तार से पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। ठीक, नंबर एक दोस्तों आरियल यानी रिंगर लैक्टेट। तो ये दोस्तों सोडियम लैक्टेट 0.320% और सोडियम क्लोराइड 0.600% और पोटेशियम क्लोराइड 0.040% और कैल्शियम क्लोराइड 0.027% से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आरियल बॉटल चढ़ाने पर हमारे शरीर में इन सब की कमी पूरी हो जाती है। जैसे अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है तो, और कैल्शियम की कमी है तो, और पोटेशियम की कमी है और पोषण की कमी है, आँखों में सूखापन हो या फिर लू लगी हो या फिर गर्मी से पेट में ऐंठन हो या फिर बच्चों में पानी की कमी हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो और सोडियम की कमी हो, तो अगर हमारे शरीर में इन सब की कमी रहती है तो इस बॉटल को चढ़ाने के बाद इस सब की कमी पूरी हो जाती है हमारे शरीर में। और अब चलिए दोस्तों ये जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ठीक, तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ नॉर्मल ही रहते हैं, जैसे कि दस्त लगना, उलझन होना, खून में कैल्शियम की बढ़ोतरी हो जाना या फिर बीपी कम हो जाना, बुखार आ जाना, पेट में दर्द होना या फिर मुंह सूखना। ठीक, नंबर दो एनएस, ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड 0.9% से बना होता है, और ये बॉटल दोस्तों तब चढ़ाया जाता है जब शरीर में पानी की कमी हो या फिर सोडियम की कमी हो या फिर बीपी लो की समस्या हो या फिर लू लगी हो। और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे नाक बहना, छींक आना, चिड़चिड़ापन, त्वचा पर चकत्ते हो जाना और जोड़ों का दर्द होना। और अब चलिए दोस्तों ये जान लेते हैं अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो इस बॉटल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, तो जैसे ड्रग्स एलर्जी हो या फिर गुर्दे की बीमारी हो या फिर हृदय रोग हो। ठीक, और नंबर तीन डीएनएस, ये दोस्तों डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना रहता है। इसमें 5% डेक्सट्रोज होता है और 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। और दोस्तों इसका यूज तब किया जाता है जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसमें सोडियम होता है जो बीपी को बढ़ाने का कार्य करता है। और भी इसके कई फायदे हैं, जैसे कि आँख में सूखापन हो, गर्मी में ऐंठन हो और इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन हुआ हो और शरीर में नमक की कमी हो, शरीर में पानी की कमी हो, तो वो सभी पूरे हो जाते हैं इस बॉटल का यूज करने पर। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में जैसे दोस्तों बुखार आना, इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द होना, नस में सूजन आना और जोड़ों में दर्द होना, झुनझुनी होना, गुदगुदी होना, चुभन होना या फिर जलन होना। ठीक, और ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि इसे कब यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो इसका यूज ना करें, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो इसका यूज ना करें, और अगर शरीर में सूजन आने लगे या फिर सूजन हो तब भी आप इसका यूज ना करें। और नंबर चार D5, तो दोस्तों D5 डेक्सट्रोज से मिलकर बना होता है, जिसमें डेक्सट्रोज की मात्रा 25% होती है। D5 को शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। यह तरल पदार्थ के नुकसान को भरपाई करता है
और इसका यूज हाइपोवोलेमिया में किया जाता है जो डिहाइड्रेशन चोट व जलने पर होता है। और अगर शुगर बहुत ज़्यादा घट जाता है तो शुगर बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका मुख्य काम होता है और भी इसके कई फायदे हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी हो और उसको पूरा करना होता है तब। और इसके दोस्तों साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना, चक्कर आना, त्वचा नीली पड़ना। और अब चलिए दोस्तों ये जान लेते हैं इसका यूज कब नहीं करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों अगर शरीर में सूजन है तो इसका यूज ना करें, या फिर अगर शुगर ज़्यादा बढ़ गया हो तब इसका यूज ना करें, और जिन लोगों में पोटेशियम की कमी है उन पर भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। और अब चलिए दोस्तों नंबर 5 आइसोलाइट पी के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो आइसोलाइट पी ये दोस्तों डेक्सट्रोज से मिलकर बना होता है। ज़्यादातर इसका यूज बच्चों पर किया जाता है। इसका यूज तब किया जाता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जब खून में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तब इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज कब नहीं किया जाता है दोस्तों, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो जैसे एलर्जी हुई हो या फिर शुगर में या फिर गुर्दे की बीमारी में शरीर में सूजन है तो, या फिर पोटेशियम की कमी है तो इसका यूज नहीं करना है, या फिर हार्ट फेल हो तो इसका यूज नहीं करना है। ठीक, और नंबर 6 आइसोलाइट एम। तो दोस्तों आइसोलाइट पी और आइसोलाइट एम दोनों का काम एक ही होता है, बस फर्क यह है कि आइसोलाइट पी बच्चों में यूज किया जाता है और आइसोलाइट एम बड़े एडल्ट लोगों में यूज किया जाता है। इसके काम और साइड इफेक्ट सब सेम हैं। ठीक, जैसे जैसे आइसोलाइट पी का काम और साइड इफेक्ट है और उसी प्रकार आइसोलाइट एम का भी साइड इफेक्ट और काम है। ठीक, और नंबर 7 हिमाक्सिल। हिमाक्सिल में कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड मौजूद होता है। इसका यूज तब किया जाता है जब शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, या फिर एक्सीडेंट के दौरान चोट ज़्यादा आ गई हो, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपके शरीर में बहुत जल्द ही इन सब की कमी पूरी हो जाती है। और अब चलिए दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में जैसे दोस्तों दस्त लगना, एलर्जी होना, या फिर नेक्रोसिस, ब्लड प्रेशर लो होना, उलझन होना, बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन और बुखार का आना। ठीक, और अब दोस्तों इसका यूज कब नहीं करना है चलो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है तब इसका यूज ना करें, और गुर्दे में प्रॉब्लम है तो भी इसका यूज ना करें, अगर पेट में सूजन है तो इसका यूज ना करें, या फिर शरीर में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है तो इसका यूज ना करें। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, आप इसका यूज करने से पहले अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप इसका यूज करें। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।